दिल्ली की चर्चित निक्की हत्याकांड मामले में अब एक और नया खुलासा हुआ है। निक्की और साहिल ने साल 2020 में ग्रेटर नोएडा के जिस आर्य समाज मंदिर में शादी की थी उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। दोनों की जयमाल की फोटो सामने आई है। निक्की हत्याकांड मामले में साहिल शुरुआत से पुलिस को गुमराह कर रहा था कि वो और निक्की लिव इन में रह रहे थे, लेकिन अब साहिल के खुलासे ने पुलिस की जाँच की दिशा बदल दी है। पुलिस जांच में साहिल ने खुलासा किया कि उसकी और निक्की की 2020 में ग्रेटर नोएडा के डेल्टा वन स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी हो गई थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के अनुसार वह दोनों लिव इन में नहीं बल्कि पति पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे। इस शादी में साहिल के मित्र गवाह बने थे। मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस शादी के दो लोग गवाह थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह निक्की के तरफ से थे या साहिल की तरफ से। पुजारी ने बताया कि दोनों जब शादी के लिए आए थे तो बेहद खुश दिख रहे थे। वो तो ऐसी किसी वारदात के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। साहिल और निक्की की शादी कराने वाले पुजारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की टीम शुक्रवार रात मंदिर में आई थी और शादी से जुड़े सर्टिफिकेट व अन्य दस्तावेज अपने साथ ले गई। साहिल के परिवार को थी। साहिल के पिता व दोस्तों को उसकी और निक्की के शादी की जानकारी थी। ये बात अपराध शाखा की जाँच में सामने आई है। सब जानकर भी साहिल के पिता ने उस पर निक्की को छोड़कर दूसरी शादी करने का दबाव बनाया और शादी करवाई भी। यही नहीं, साहिल ने निक्की के शव को अपने ढाबे के फ्रिज में रखने के बाद अपने पिता को भी कत्ल की पूरी जानकारी दे दी थी। इसके बावजूद वह चुप रहे और साहिल की दूसरी शादी करवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।